तो ये सामने का रास्ता जागेश्वर धाम को जा रहा है और हम खड़े हैं अल्मोड़ा की चितई बाजार में, गोलू देवता मंदिर के ठीक सामने। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर स्थित है। यहाँ पर चारों ओर ये प्रसाद की दुकानें भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आइए करते हैं गोलू देवता के दर्शन और लेते हैं उनका आशीर्वाद। सड़क से चंद कदमों की दूरी पर ही ये एक ऊंची पहाड़ी में गोलू देवता का ये भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद वंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। गोलू देवता के मंदिर में केवल चिट्ठी भेजने से ही मन्नतें पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ चारों ओर बस घंटियाँ ही घंटियाँ नजर आने लग जाती हैं, जो अनगिनत हैं। मंदिर के हर कोने में दिखने वाले इन घंटे घंटियों की संख्या कितनी है ये आज तक मंदिर के लोग भी नहीं जान पाए हैं। दोस्तों ये मंदिर परिसर के चारों ओर का भव्य विहंगम दृश्य है। अष्टकोणी आकार का ये चितई मंदिर चारों ओर चीड़ के पेड़ से ढका हुआ है और यहाँ पहुँचते ही एक दिव्य जागृत मंदिर का एहसास होता है। यहाँ पहुँचने वाली भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटों की आवाज़ से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों अब मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करने के लिए चलते हैं। दोस्तों गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और यहाँ गौर भैरव के रूप में भी उनकी पूजा होती है। ये दोस्तों गोलू देवता के सेवक कलवा मसार की ये मूर्ति मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही प्रतिष्ठित है। मंदिर के गर्भगृह में सफ़ेद घोड़े में सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की ये भव्य मूर्ति विराजमान है। इनके हाथों में धनुष बाण है। यहाँ पर माँ कलिंगा और उनके सेवकों की प्रतिमाएं भी हैं। दोस्तों यहाँ मनोकामना पूर्ण होने के लिए भक्तों के द्वारा अनेक अर्जियां लगाई जाती हैं, क्योंकि माना जाता है कि जिन्हें कहीं से न्याय नहीं मिलता है वो गोलू देवता की शरण में यहाँ पहुँचते हैं और गोलू देवता उन्हें न्याय देते हैं, इसलिए इन्हें न्याय का देवता भी माना जाता है। दोस्तों मंदिर के बाहर हजारों की तादाद में लगे ये चिट्ठियाँ, स्टाम्प और आवेदन पत्र इसकी गवाही देते हैं। चितई गोलू देवता मंदिर की यह मान्यता भी है कि यदि कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन करता है तो उनका रिश्ता सातों जन्म तक बना रहता है। ऐसा विश्वास है कि गोलू देवता अन्यायी को दंड देकर पीड़ितों को न्याय दिया करते हैं, इसलिए गोलू देवता मंदिर को उनका न्यायालय भी माना जाता है। जिनको कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है वे श्रद्धालु यहाँ पर आकर न्याय मांगा करते हैं। दोस्तों मंदिर का ये वातावरण अत्यंत मनमोहक और शांत है। अभी हम सुबह काफ़ी जल्दी पहुंच गए हैं तो अभी भक्तों का आने का सिलसिला शुरू ही हुआ है। दोस्तों यहां गोलू देवता के दर्शन करने के बाद मंदिर में भक्त लोग रक्षा का धागा भी बंधवाते हैं। दोस्तों यहां ये कुछ बड़े बड़े घंटे भी दिखाई दे रहे हैं, आइए उनकी आवाज़ सुनते हैं।
मन्नतें पूरी होने पर यहाँ भक्त लोग घंटियाँ चलाते हैं। मंदिर परिसर में चारों ओर लाखों घंटियों को देखकर ही इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि सच्चे मन से मांगी गई किसी भी भक्त की यहाँ मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। आम लोगों के द्वारा इसे घंटियों का मंदिर कहा जाता है, जहाँ कदम रखते ही घंटियों की पंक्तियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, सच्चे मन से मांगी गई मुराद गोलू देवता हमेशा पूरी करते हैं और भक्त लोग यहाँ से उनके दर्शन करने के बाद शांत और प्रसन्नचित्त मन से घर की ओर को लौटते हैं। दोस्तों, आप भी टाइम निकालकर इस दिव्य चमत्कारी मंदिर में आइए और गोलू देवता का आशीर्वाद लीजिए। जय गोलू देवता। दोस्तों, यह है गोलू देवता मंदिर की अलौकिक भक्ति शक्ति और चमत्कार की कथा। तो दोस्तों, जल्दी ही किसी और सफर पे मिलते हैं।